hey guys, a very good morning to all of you. kaise ho log? i hope you all are doing good. i am gulapsa, your mentor, and i welcome you once again to another session of rbi 247. and in today's session, we will be discussing about a report that has been released by niti ayog on digital banks. so what are digital banks? and if you remember, then in the union budget of 2023, digital banking units were announced. So, how are these digital banks different from DBUs, or are they the same? And what challenges will this digital banks impose on the Indian economy? So, before getting started, there are two information for you guys. First, we have already started with the live classes for RBI, SEBI, and NABARD. If you have still not enrolled for the course, then you can do so by visiting our website. Apart from that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. सो एनी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस मंथली मैगजीन्स डेली क्विजेस टॉपर स्ट्रेटेजीज एज वेल एज पास्ट ईयर पेपर्स आर अवेलेबल ऑन दिस एप बाय द नेम अनुजिंदल डॉट इन सो डाउनलोड कर लीजिए इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिपोर्ट का टाइटल क्या था सो द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वॉज अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक इन इंडिया लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम सो टाइटल से ये क्लियर है दैट वी आर कमिंग अप द नीति आयोग इज टॉकिंग अबाउट द प्रपोजल ऑफ ब्रिंगिंग अप समथिंग कॉल्ड डिजिटल बैंक्स उसकी लाइसेंसिंग करने के लिए एंड हाउ दे आर गोइंग टू रेगुलेट दिस डिजिटल बैंक्स नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट वाई हैजाई वॉट आर देयर इन द रिपोर्ट लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अ रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक्स अब आपको पता होगा कि बिकॉज ऑफ द जैम ट्रिनिटी राइट लेट मी टेक अ न्यू पेज सो बिकॉज ऑफ द जैम ट्रिनिटी जन धन आधार एंड मोबाइल इंडिया हैज सीन द इम्पोर्टेंस द इमेंस इंक्रीज इन द डिजिटल पेमेंट्स एंड यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस बीट सेंडिंग मनी ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ रिटेल पेमेंट्स अगर आप दुकान पर जाते हो अभी भी मोस्ट ऑफ यू

so because of this unified payment interface the digital economy or we can say the digital the digitization of India has been done to a large scale ab agar hum baat kare na this is more prevalent in the urban areas but अगर हम बात करें if we talk about whole of India approach अगर पूरी इंडिया की हम बात करें whole of India तो आपको पता होगा कि हॉल ऑफ इंडिया अप्रोच में भी डिजिटल पेमेंट्स को एंकरेज करने के लिए द गवर्नमेंट हैड कम अप अपीबीटीज ना वॉट आर डीबीटीज डीबी टीज आर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स तो आपने सुना होगा दैट देर वेरियस स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रधानमंत्री किसान स्कीम है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव दिस प्रधान स्वनिधि स्कीम सो इन ऑल दिस स्कीम्स देर हैज बिन डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर्स उसके अलावा अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है थ्रू स्टेट और गव और सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी आपको डी के थ्रू मिलता है कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा दैट इन ऑर्डर टू सपोर्ट कंजम्पन द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड 500 पर मंथ राइट टू पीपल हु हैड ओपन देयर अकाउंट्स थ्रू दिस जनधन धन स्कीम बिकॉज ऑफ ऑल दिस बेनिफिट वी हैव सीन हाउ डिजिटाइजेशन हेज ब्रॉड कन्वीनियंस फर्स्ट जो फीचर है डिजिटाइजेशन की वो ये है कि देर इज कन्वीनियंस अपार्ट फ्रॉम दैट दी एंटायर प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी हैज़ बिकम सो सिम्पलीफाइड ठीक है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए

तो फर्स्ट ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम डिजिटल बैंक्स एस्टाब्लिश करेंगे सेकेंड द रिपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अ रोड मैप फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग दी डिजिटल बैंक्स तो डिजिटल बैंक्स बना दिया अब उन्होंने एक रोड मैप प्रोवाइड किया है टेम्पलेट जैसे होता है ना कि ऐसे ऐसे करेंगे तो मे बी वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू लाइसेंस एंड रेगुलेट दिस डिजिटल बैंक्स ठीक है थर्ड द रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फोकसिंग ऑन अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ रेगुलेटरी और पॉलिसी आर्बिट्राज अब आर्बिट्राज क्या होता है सो so, आर्बिट्राज आप ऐसे समझ सकते हो सपोज देर इज अ सर्टन रेगुलेशन ठीक है अब उस रेगुलेशन में कुछ लूप होल्स हैं कोई एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसमें कुछ लूप होल्स है अब आप उसको यूटिलाइज करके आप क्या कर रहे हो यू आर ट्राइंग टू सरकमवेंट एन एंटायर न्यू रेगुलेशन बिकॉज ऑफ सर्टन लूप होल्स इन आर रेगुलेशन यू आर ट्राइंग टू सरकमेंट दी एंटायर रेगुलेशन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा मान सकते हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि सबको टैक्स पे करना है राइट नाउ यू नीड टू पे टैक्स और फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कि गवर्नमेंट uh, ने एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड की थी कि अगर आप हिली एरियाज हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हो देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद सर्टन एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्लस अदर सब्सिडीज सच एज टैक्स हॉलीडेज आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा या बीस साल के लिए आपको टैक्स ही पे नहीं करना तो अब यूनिट्स मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं दे हैव ओपनड अ शेल कंपनी इन अ हिली एरिया सपोज करो हिमाचल प्रदेश में सरकार का ये स्कीम है अगर आप हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन कैरी ऑन करते हो मैन्युफैक्चरिंग कैरी ऑन करते हो देन यू विल बी गेटिंग अ टैक्स हॉलीडे फॉर टेन ईयर्स मतलब दस साल तक आपको अपने प्रॉफिट्स पर कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है नाउ इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस टैक्स एग्जाम्शन अब लोग क्या कर रहे हैं दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स इन हिमाचल प्रदेश वो डेली में ही ऑपरेट कर रहे हैं सारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा कुछ डेली में हो रहा है द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस हिमाचल प्रदेश यूनिट इज द पैकेजिंग पार्ट बस पैकेजिंग को आपने यहाँ रख दिया इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टेन ईयरस टैक्स एग्जैम्पन दिस इज़ नॉन एज एवॉइडिंग टैक्स राइट आप एक तरीके से टैक्स अवॉइड कर रहे हो एंड दिस इज़ नॉन एज मेकिंग यूज ऑफ द रेगुलेशन आप उसको तोड़ मोड़ करके आप उसको यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम इट दिस इज़ नॉन एज आरबिट्राज आरबीटराज का मतलब होता है कि आप सरकमवेंट कर देते हो जो इंटायर पर्पज था उसको ही आपने डिवीट कर दिया बट लीगली आप करेक्ट हो ठीक है तो दिस इज़ नॉन एज रेगुलेटरी आरबी ट्राज तो आर्बिट्राज का यूज़ करके तो सरकार की चाह रही है नीति आयोग इज़ थिंकिंग दैट दे आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे डिजिटल बैंक्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है सो नाउ पीपल विल बी गोइंग देयर एंड इन इंडिया में वो कुछ और दिखा देंगे एंड देयर बाय दे विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रेगुलेटरी और पॉलिसी आर्बिट्राज सो नीति आयोग वॉन्ट्स टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड to the incumbents as well as the competitors by focusing on avoiding any kind of regulatory or policy arbitrage. तो ये सारे इस रिपोर्ट में बात की गई है उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि क्या प्रिवेलिंग गैप्स हैं जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं हाउ कैन वी सर्व दैट सेक्टर और दैट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज स्टिल अनसर्व राइट पीपल जो they are, those who दोज हु मच reluctant. Of coming up into the digital space. Apart from that, how can we include the best of the best global regulatory practices in licensing these digital banks? तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे डिजिटल बैंक्स को रेड ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है तो वहाँ पे जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसज है उसको हम इंडिया में इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में सो नाओ लेट्स मूव फॉरवर्ड वॉट आर दिस डिजिटल बैंक्स अब डिजिटल बैंक्स होते क्या हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऐसा नहीं है कि सब कुछ दैट इट विल नॉट बी रेगुलेटेड और समथिंग अबाउट लाइसेंसिंग दिस डिजिटल बैंक सो दे आर गोइंग टू बी अ फुल स्केल बैंक अब आपने न्यू बैंक्स का कंसेप्ट सुना होगा चैलेंजर बैंक्स वर्चुअल बैंक्स वर्चुअल बैंक मीन्स दे विल नॉट बी हैविंग एनी ऑफ द फिजिकल ब्रिक ब्रिक uh, स्ट्रक्चर जैसे फिजिकल बैंक्स के हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं होगा ऐसा दे विल बी एंटायरली ऑपरेटिंग एंटायरली ऑनलाइन थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सो दे विल बी मेकिंग यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड मे बी इन द फ्यूचर दे विल बी टेकिंग यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब ये जो बैंक्स होंगे दे आर गोइंग टू बी फुल स्केल बैंक्स ऐसा नहीं कि बस इन पार्टनरशिप कर रहे हैं कि कोई पुराना फिजिकल बैंक है उसके साथ आपने पार्टनरशिप करके कोई बैंक खोल लिया जैसे नियो बैंक के अंदर पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर था उसको हम नहीं कह रहे हैं वी आर सिंग दैट दे आर गोइंग टू बी अ फुल स्केल बैंक्स एज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑफिसड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड दे विल बी लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन तो जो भी एक्टिविटीज़ Uh, physical commercial banks conduct karenge same activities, be it be it of uh, accepting deposits or providing loans or all other features such as providing home loans, credit facilities, or intermediating credit to MSMEs or other sectors. All of these features, all of these services which they will be empowered under the Banking Regulation Act will be applicable to this digital banks. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज एस बी आई है राइट नाउ सपोज अब आप बात कर रहे हो कि कोई आपको एक्स वाई सी बैंक खोलना है लेट्स से महिला बैंक फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक महिला बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक सपोज अ कमर्शियल बैंक बाई द नेम महिला बैंक नाउ एस बी आई हैज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सो मैनी ब्रांचेस अब ये जो डिजिटल बैंक होंगे ये एंटायरली डिजिटली ऑपरेट करेंगे अब आपके दिमाग में आएगा यार आ, जो 2023 का बजट आया था फेबररी दिस ईयर में उसमें इन्होंने बात किया था दे आर गोइंग टू सेटअप अप 75 डी ठीक है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तो क्या ये दोनों सेम है द आंसर इज नो दे आर डिफरेंट आपको सिमिलर लग सकते हैं बट दे आर डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंसेस फर्स्ट बिकॉज ऑफ़ दी लीगल पर्सनैलिटी लीगल पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है अब ये जो डिजिटल बैंक होंगे दे आर गोइंग टू बी एंटायरली सोलो सिंगल बैंक राइट कमर्शियल बैंक की तरह ही ये बैंक होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी ड्यूली लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी नाइन हावर दिस डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी फंक्शनिंग एज अ बैंकिंग आउटलेट ये एक तरीके का आउटलेट होगा सपोज सपोज एस बी आई है उसकी बहुत सारे ब्रांचेज हैं बी इट इन डेली वन इट इज इन मुंबई डेली में भी बहुत सारे जगह हैं नाउ दे वन मोर ब्रांच नोन एज डी बी यूज डिजिटल बैंकिंग यूनिट सो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो होंगे दे विल एक्ट एज अ ब्रांच ऑफ द एग्जिटिंग कमर्शियल बैंक राइट तो वो एक बैंकिंग आउटलेट या फिर ब्रांच की तरह काम करेंगे एग्जिटिंग कमर्शियल बैंक्स की तरह दे आर गोइंग टू बी ऑल टूगेदर अ न्यू कमर्शल बैंक बी अ फुल स्केल बैंक ऐसा नहीं कि उनको बस कुछ एक्टिविटी दे दिया एंटायर एक्टिविटी दैट इज बिंग टेकन अप बाई दिस बेहमद कमर्शियल बैंक्स विल बी टेकन अप बाई दिस डिजिटल बैंक्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग की सेपरेट लाइसेंसिंग नहीं होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की क्योंकि इनकी जो पेरेंट बैंक है दैट इज एस बी आई हैजरेडी बिन लाइसेंस तो इनको अलग से लाइसेंस नहीं दिया जाएगा इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ दिस फिजिकल बैंक ठीक है ना वॉट वॉज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल बैंक्स एंड द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स तो सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात करते हैं 2023 के बजट में जब अनाउंस हुआ था उसके पीछे यही रीज़न था कि जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं या फिर फिनटेक इनोवेशन से उसको हमें ग्रास लेवल ग्रास रूट ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना था वी वांटेड दैट इवन द of ऑफ द रेयर पीपल एंड इवन दोज are reluctant कैन कम अप टू द डिजिटल स्पेस एंड कैन यूज दिस डिजिटल पेमेंट infrastructure. ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकें या फिर उनको कुछ रिड्रेसल हैं जो उनको बैंक बार बार जाना पड़ रहा था उसको रिड्रेस uh, कराने के लिए सपोज़ देर देर वॉज ए प्रॉब्लम इन यूजिंग द एप ऑफ सपोज करो एस बी आई का योनो योनो बैंक जो है योनो you know, उसको यूटिलिट उसको यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रही थी ना यू निन नॉट गो टू द फिजिकल यू नी नाट फिजिकली विजिट द ब्रांच इन ऑर्डर टू गेट योर कंप्लेन रिजॉल्व नाउ यू विल हैव दिस डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जहाँ पे ऑनलाइन आप सारा कुछ कर सकते हो अब बात करते हैं डिजिटल बैंक्स की अब डिजिटल बैंक्स में क्या है डिजिटल बैंक्स बेसिकली वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई द प्रिवेलिंग गैप्स जो हैं डिजिटल फिज़िकल बैंक्स में और डिजिटल बैंक्स में और उसको फुलफ़िल करना चाहता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल द बैंकिंग सर्विसेज तो आपको लोन लेना है या आपको बैंक में डिपॉजिट करना है या जो भी फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें अब आप ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठे सो इट विल प्रोवाइड यू विथ कन्वीनियंस कन्वीनियंस रहेगा राइट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर गोइंग टू कम अप डिजिटल बैंक्स तो आपके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो कम हो जाएंगे जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होंगे वो कम हो जाएंगे यू नीड नॉट सेट अप दी एंटायर फिजिकल स्ट्रक्चर एंटायर फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है सेकेंडली जो मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस होता है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी राइट right? उसके अलावा दे विल बी स्पीड इन कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी सो बिकॉज ऑफ दीज नीड्स इन ऑर्डर टू फुलफिल दिज नीड्स डिजिटल बैंक हैज़ बिन प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की तो रिपोर्ट के रिकमेंडेशन क्या हैं क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था दैट द रिपोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड अ रोड मैप फॉर लाइसेंसिंग रोड मैप फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग द डिजिटल बैंक्स सो तीन हैं तीन स्टेजेस हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट फर्स स्टेज में यू आर गोइंग टू प्रोवाइड विद अ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटिटीज़ होंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट वॉन्ट्स टू सेटअप विद द डिजिटल बिजनेस बैंक विल भी प्रोवाइडेड विद द रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस बेस्ड ऑन अब यह रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस किस को देंगे अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं सबको तो दोगे नहीं सो देर इज ए क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स दैट यू आर गोइंग टू कैटर ऑन दॉल्यूम ऑफ योर कस्टमर्स कितने ज्यादा लोग या कितने वैल्यू के लोग आपके पास आएंगे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी ऑनली ठीक है अब यहाँ पे बैंक मॉनिटर करेगा या आर मॉनिटर करेगा उसके बाद फिर आप शिफ्ट करोगे सेकेंड फेज में अब सेकेंड फेज में क्या होगा जो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंसी होंगे दे विल नाउ बी एनलिस्टेड टू द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफ आरबीआई तो आरबीआई का जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ना व्हाट इज दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? बॉक्स इसको हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है मैं आपको ब्रीफ़ में बता देती हूँ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में आपको बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है लाइक अस क्लोज़ एनवायरनमेंट जो कि बिल्कुल रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है जो बाहर ऑपरेट कर रहा है बस आपको यहाँ पे आ, बाकी जो चीज़ें होती है फॉर एग्जाम्पल बाकी जो अनसर्टेनिटीज़ un हैं उनको हटा के आपको दिया जाता है कि आप क्लोज इन्वायरमेंट में कैसे ऑपरेट करोगे अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बॉक्स देन ओनली दीज फिनटैक्स और दीज एंटिटीज आर ट्रांसफर टू द रियल वर्ल्ड सपोज कोई आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो पहले आप यहाँ पे क्लोज इन्वायरमेंट में टेस्ट करोगे विथ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स और लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेटा तो so सपोज आपने कोई नया कोई फिनटेक है उसने कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट किया है सो so आप डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते पहले उसकी टेस्टिंग होगी राइट सो दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोवाइड यू विद द लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट वेयर बाय यू कैन टेस्ट विद लिमिटेड नंबर ऑफ़ कस्टमर्स उनके फीडबैक के बाद आप चेंजेस करोगे एंड देन फाइनली यू कैन इंट्रोड्यूस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन तो ये हो गया हमारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अब यहाँ से जो भी पास करेगा दे विल नाउ वी एलिजिबल

नीति नीति आयोग ने बोला है कि वी विल बी कमिंग अप विद अ डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स एंड बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स ओनली लाइसेंसेस विल बी प्रोवाइडेड अब ये जो रेगुलेटरी डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स है इट विल बी वेटेड इंडेक्स फॉर रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द डिजिटल बैंक्स और ये इसकी जो वेट होगी इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग दिस फोर फैक्टर्स अब ये फोर फैक्टर्स क्या है एंट्री बैरियर्स कॉम्पिटिशन बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस एंड टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रैलिटी और अब इस जब आप इन चारों के ऊपर वेट करोगे ना दिस इंडेक्स दैट इज द डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स विल भी मैप्ड अगेंस्ट सिक्स बेंच मार्क जीरो अब ये ऐसे जेरिस्डिक्शन है जहाँ पे या तो डिजिटल बैंक को ग्रीन सिग्नल मिली हुई है या फिर उनको लिमिटेड स्पेस में ऑपरेट करने का परमिशन दिया गया है तो यहाँ पे इनको मैप किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि वॉट इज द एंट्री बेरियर फॉर अ फिनटेक टू कम एंड सेटअप अ डिजिटल बैंक एंट्री बैरियर्स क्या हो सकते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है इंडिया में कितना रखोगे और इन कंट्रीज़ में कितनी है उसको आप मैप करोगे सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन कि क्या कंपटीशन फेयर है बिटवीन द डिजिटल बिटवीन द एंटिटीज इट वांट्स टू कम अपॉर डिजिटल बैंकिंग एंड दोज इन दी एग्जिटिंग फ्रेमवर्क एग्जिटिंग कमर्शियल बैंक जो हैं अगर येस yes होगा तो फिर आपका राइट right साइन होगा अदरवाइज देर विल बी एकर तो आप इसको मैप करोगे थर्ड विल बी बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस क्या डिजिटल बैंकिंग में रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में और इंडिया में क्या रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे या विल इट बी इक्वल टू दो प्रोवाइडेड टू दी एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स एंड फोर्थली इट विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रालिटी टेक्नोलॉजी एज यू नो इज़ दी ओनली थिंग जो आजकल दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ये हमेशा चेंज होता रहता है राइट right? सो एस बी सी चेंज इज़ दी ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट सो टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ दी ओनली थिंग ओनली थिंग दैट इज बींग कॉन्स्टेंट इन द डिजिटल स्पेस तो आप देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया में और या इन कंट्रीज में आम मेपिंग आप टू दो प्रोवाइडेड इन इंडिया तो ये वेट से इस इसके वेटेज पर आप एक डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स बनाओगे और उस इंडेक्स के बेसिस पे जिस जिस Uh, जो जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज होंगी उनके जो रैंक्स होंगे फिर उनको आप रेगुलेट करोगे और लाइसेंसेस प्रोवाइड करोगे सो दिस इज द मेथडोलॉजी दैट नीति आयोग हैज़ टॉक्ड अबाउट इन इट्स रिपोर्ट अपार्ट फ्रॉम दैट नीति आयोग हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट तो इन्होंने बोला जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे थ्री फेजेज हैं फर्स्ट इज योर रेस्ट्रिक्टेड फेज सेकेंड इज योर रेगुलेटरी सेंडबॉक्स फेज एंड थर्ड इज़ योर फुल फ्लैजड फेज तो जब आप rest, और ये दोनों ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड फेज हैं जब आप इन दो स्टेज में रहोगे देन यू विल बी रिक्वायरिंग टू हैव अ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी करोर्स एज मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड फॉर अ फुल स्केल डिजिटल बैंक्स द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑफ टू हंड्रेड करोर्स और ये जो टू हंड्रेड करोड़ रखा गया है दिस टू हंड्रेड करोर इज इन कॉन्सनस टू दैट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो इनकी भी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो टू हंड्रेड करोड़ है तो उस लेवल पे रखा गया है एंड आफ्टर दिस वंस दिस इज़ इंट्रोड्यूस फिर देखा जाएगा एंड देन सर्टन चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स कैन बी ब्रॉड टू दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सो अब बेनिफिट्स हम सबको पता है डिजिटल बैंकिंग की कन्वीनियंस होगा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएंगी स्पीड होगा ट्रांजेक्शन कंडक्ट करने में देर विल बी ट्रांसपेरेंसी जो भी चीज़ें होंगी आपको डिजिटल दिख जाएगा राइट right? लेडास्टॉक अबाउट द चैलेंजेस अगर आप डिजिटल बैंक इंट्रोड्यूस करते हो इंडिया में वॉट आर द चैलेंजेस दर यू आर गोइंग टू फेस सो द फर्स्ट एंड फॉरमस्ट अगर डिजिटल बैंक इंट्रोड्यूज होती हैं देन एवरी थिंग इज गोइंग टू बी इन पर्सनल द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द क्लाइंट राइट एंड द क्लाइंट और द बैंक विल बी नॉट देर एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन तो आपको कोई ऐसा होगा नहीं जो आपको असिस्ट कर सके physically right there will be no physical person assisting you so यहाँ पर customer trust की बात आ जा आ सकती है because India के जो population है uh, majorly उनको वो चाहिए because अब आदत लग गई है उनको physical bank की तो अब उनको all of a sudden अगर उनको कोई मिलेगा ही नहीं everything is online तो उनको ये दिक्कत हो सकती है whether they should trust this digital banks or whether they should still continue with the existing uh, commercial banks jabki unko dikkat ho rahi ho wahan jaane mein bank branches ko visit karne mein to ye ek problem aa sakti hai second could be of that of fraudulent transactions because सब कुछ online होगा so there will be a person assisting this data तो वो उस transactions को कैसे handle करता है या फिर उसको misuse करता है तो वो चीज़ देखना पड़ेगा so our transactions will be entirely vulnerable to the person who is handling जो सॉफ्ट सॉफ्टवेयर को चला रहा है उसके पास सारे data रहेंगे तो यहाँ पर ethics की बात आ जाती है right and third

नो no डाउट हम डी मैट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं राइट बट वी नीड टू सी बिकॉज जितने लोग हैं वो डिजिटली इतने इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिजिटली लिटरेट नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स कितने हो सकते हैं वॉट इज़ पॉसिबिलिटी एंड वट ऑल टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़ टू मेक योर सिस्टम मोर रॉबर्स एंड एंड मोर रेजिलेंट टू एनी काइंड ऑफ दिस साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स सो दिस वॉज ऑल इन द रिपोर्ट मैंने इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है कि क्या क्या रेगुलेशन लेकर आए वॉट आर द रिकमेंडेशन द मैथडोलॉजी कैसे वो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे एंड वॉट चैलेंजेस इट कैन पोज फॉर दी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी आज के डेट में भी ये माना जाता है कि हंड्रेड परसेंट नहीं है वे आर नॉट इवन क्लोज टू एटी और नाइन्टी परसेंट ठीक है

Uh, it is based on the report on digital banks. So, which of the following statements are true? Let me read out the statements for you. The first statement says digital banks are that of DBUs. Digital banks, as that of DBUs, will be a duly licensed bank under the Banking Regulation Act of 1949. In the second phase of the licensing of digital banks, digital banks will be enlisted in the regulatory sandbox of SEBI.

Has been shared with you on the Telegram group. So, this was all for today. I hope you like the session and continue watching it. Till then, keep learning. Bye bye.